क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर फोर यूनिटरी मेथड कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए यूनिटरी मेथड में क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले हम होते क्या है इस क्वेश्चन में कि कई सारे ऑब्जेक्ट्स के कॉस्ट दी होती है और एक के निकालने पड़ते हैं, फिर जिसकी पूछी जाती है वो बतानी पड़ती है। तो यहाँ देखो, चलो एक क्वेश्चन देख के चलते हैं। इफ द रेट ऑफ वन कॉपी इज रुपीज 8, देन व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 6 कॉपीज। तो ये देखो सिंपल हो गया, चूंकि यूनिटरी का मतलब एक की कॉपी दी हुई, एक कॉपी का कॉस्ट दिया हुआ है, और अगर मतलब ज्यादा कॉपी की दी थी कॉस्ट तो पहले एक का निकालना पड़ता है। तो ये मेन हो गया इसका, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। रेट मीन्स है कॉस्ट है जे वन कॉपी, यहां लिखना होता है आपको कॉस्ट ऑफ वन कॉपी, इट इज गिवन एज रुपीज 8। ये 8 रुपीज गिवन है, हमें 6 का निकालना है। तो यहां पे फिर लिखेंगे आप कॉस्ट ऑफ 6 कॉपी, 6 कॉपी का देना है हमें, यहां कॉपी नहीं कॉपीज आएगा। तो कॉस्ट ऑफ 6 कॉपीज, अब इसमें जो रुपीज था आपका कॉस्ट रुपीज में निकलेगी, तो 8 थी रेट इसका, यानी कि एक कॉपी का, तो 6 का निकालना है। तो ये मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा ये 48, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अगर एक की कॉस्ट हमें पता रहती है तो हम किसी की भी कॉस्ट, कितने की भी कॉस्ट अगर ज्यादा के निकालने तो इजिली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया, आप 2 पे चलते हैं। ये आगे, व्हाट वुड द कॉस्ट ऑफ 5 वॉचेस इफ द कॉस्ट ऑफ ईच इज रुपीज 350। मतलब एक का दे दिया, यूनिटरी का मतलब शुरू हो चुका है। इसका मतलब कि यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन वॉच दैट विल बी इक्वल टू रुपीज, कितना है इसका 350 है, और हमें कॉस्ट कितने की निकालनी है, कॉस्ट ऑफ ये है 5 वॉचेस की, ये यहां देखो 5 वॉचेस है, 5 वॉचेस इसका टू रुपीज, तो पहले लिख दीजिएगा 350 भी लिख दीजिए और मल्टीप्लाई बाई 5 और हो जाएगा। ये 5 कीजिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता है, देखो कितना आता है उसका। तो यहाँ 5 देखो मल्टीप्लाई कर देखते हैं, 350 और ये 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रफ वर्क होता है, 50 जा 0, 55 जा 25 का 5 हो जाएगा, 2 कैरी हो गया, 53 जा 15 और 217 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेना, रफ में करना होता है बच्चों। तो ये रुपीज कितना आ गया, 1750 रुपीज, और दैट विल बी योर आंसर। आई थिंक ये हो जाना चाहिए इजली। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम ये, इफ द कॉस्ट ऑफ 12 केजी टमेटोस इज रुपीज 60, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 केजी ऑफ टमेटोस। अब यहां पर यूनिटरी को यूज करना पड़ना है। देखो कैसे करेंगे यूज, सबसे पहले क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 12 केजी टोमेटोस, कितना गिवन है, ये रुपीज गिवन है 60। अब हमें क्या निकालना है, पहले यूनिटरी का मतलब होता है वन का चाहिए हमें, तो कॉस्ट ऑफ 1 केजी टोमेटोस कितना हो जाएगा रुपीज, यानी हम क्या करेंगे 60 को डिवाइड कर देंगे, कितने से करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो एक का निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 60 को 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो 12 5 जा 60, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रुपीज 5। ये तो था कॉस्ट ऑफ 1 केजी टमाटो, हमें कितने का निकालना है, हमें 15 का निकालना है। तो चलिए यहाँ लिखिए फिर से कॉस्ट ऑफ कितने का निकालना, 15, तो 15 केजी टोमेटो,
रुपीज कितना आ जाएगा, 1 kg का तो 5 है और 15 का निकालेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 की 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 जा कितना आ जाएगा 25, तो 5 हो गया 2 कैरी, 5 बन जा 5 और 2 7, या 15 5 पे भी कर दे तो भी 75 होता है। तो यहाँ पे रुपीज लिखना है कितना 75, सो दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं ये, इफ द कॉस्ट ऑफ 6 चेयर्स इज रुपीज 642, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर। ये भी यूनिटरी मेथड से करना है हमें। चलिए देखते हैं क्या यहां लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ 6 चेयर्स इज रुपीज 642 रुपीज। हमें पहले कॉस्ट ऑफ 1 चेयर निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे यूनिटरी मेथड यही होता है, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर कितना आ जाएगा, ये रुपीज है कितना 642 डिवाइडेड बाई 6। तो चलिए पहले 6 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना 642 है। सबसे पहले 6 बन जा 6 आएगा, यहाँ से अब कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से 4 ले लेंगे लेकिन 4 में डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगा देंगे, ऊपर से 2 ले लेंगे, अब कितना हो जाएगा 6 7 42, यहाँ अब कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये कितना हो गया रुपीज 107, यानी 107 के जो है वन चेयर चेयर आ रही है। तो यहाँ लिख सकते हो वैसे इसको दोबारा भी, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, यूनिटरी का मतलब होता है पहले एक का हमें पता होना चाहिए, 1 का पता होना चाहिए, तो 1 की कॉस्ट मिल गई हमें। अब हमें निकालनी है 4 चेयर की, देखो अब 4 चेयर की निकल जाएगी, तो यहाँ क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ 4 चेयर, तब क्या हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 107 की एक आ रही है तो 4 कितने की आएगी, मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 107 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, देखो 4 7 28, तो 28 पूरा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 था तो कैरी आता वो यही लिखा जाता, 4 1 4 हो जाता ये, तो ये आ जाएगा 428, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये एक्सरसाइज आ गई है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ 1 kg ग्रेप्स आर अवेलेबल फॉर ₹35, हाउ मच वुड 7 kg ग्रेप्स कॉस्ट। इसने 1 का दे ही दिया है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू रुपीज कितना है, ये है 35। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ, यहां देखिए 7 kg का निकालना है बच्चों, यहां लिख देंगे 7 kg ग्रेप्स, यहां रुपीज तो ऐसे रहेगा और ये 35 भी ऐसे रहेगा सेम, और ये 7 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहां पे रुपीज में आंसर रहेगा, तो 35 को हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। चलो देखते हैं, 7 5 जा 35, तो 5 हो जाएगा, 3 इसका कैरी आ जाएगा और 7 3 जा 21 और 3 और तो ये हो जाएगा 24, तो ये आ जाएगा रुपीज 245 और दैट विल बी योर आंसर, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ते हैं, लेकिन ध्यान से करना पड़ेगा आपको, पहले ज्यादा का कर दिया है तो वो कई सेकंड क्वेश्चन आ गया इसका उसी एक्सरसाइज का है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल व्हेन 3 साइकिल्स कॉस्ट रुपीज 6360, यानी 6360 रुपीज है, तो यहां लिखना है कॉस्ट ऑफ कितना है 3 साइकिल्स, ये कितना दिया है रुपीज दिया हुआ है, पहले रुपीज जरूर लिखेंगे 6360। अब हमें क्या निकालना है, 1 का निकालना है, यूनिटरी का ही यूज करना है यहां पे, तो कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल
कितना आ जाएगा बच्चों, रुपीज तो यहाँ रहेगा रहेगा 6360, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 3 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए 3 से डिवाइड करके देखते हैं इसको कितना आएगा। ये है आपका 6360, तो 6 3 2 6 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 3 लेंगे फिर 3 1 3 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 6 ले लेंगे 3 2 6 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया, ऊपर से 1 0 आ जाएगा, लेकिन डिवाइड नहीं हुआ तो 1 0 और आ जाएगा। ये कितना आ गया रुपीस, ये आ गया 2120 रुपीस, एंड दैट विल बी योर आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। इफ अ लेबर चार्जेस रुपीज 385 फॉर 7 डेज वर्क, 7 डे वर्क का ये चार्ज है, देन व्हाट अमाउंट वुड ही टेक फॉर 12 डेज। ये भी यूनिटरी मेथड से होगा। तो यहां क्या लिखना है, लेबर चार्जेस फॉर 7 डेज इज इक्वल टू रुपीज हाउ मच, ये है 385। तो सबसे पहले हमें यूनिटरी का मतलब वर्क डेज का निकालना पड़ेगा, तो यहां लिखना पड़ेगा लेबर चार्जेस फॉर 1 डे। 1 डे में क्या होगा बच्चों, 385 को डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 7, या अपॉन में 7 कर दो तो भी बात एक ही रहेगी। तो चलो देखते हैं, 385 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 5 35 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 बच जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, 8 - 5 3 हो गया, और 3 - 3 0 हो गया, तो 5 ऊपर से ले लेंगे, फिर 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इट मीन्स की इट विल बी कैंसल आउट, तो कितना आ जाएगा ये रुपीज बच्चों, ये आ गया 55। चलिए क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब इसमें 12 डेज का हमें चाहिए, देखो 12 डेज का दिया हुआ है, अब 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, लेबर चार्जेस फॉर कितने डेज, 12 डेज, रुपीज आ जाएगा कितना, 55 को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 12 से। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से, तो ये है 12, तो 12 5 60 0 हो गया, 6 कैरी आ गया, और 12 5 60 और 6 66 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया रुपीज 660, एंड दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन आ गया। इफ 3 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट रुपीज 156, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये भी यूनिटरी मेथड से करना है हमें, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 3 लीटर पेट्रोल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 3 लीटर पेट्रोल विल बी इक्वल टू कितना है, ये गिवन है हमें, ये है 156, तो हमें पहले यूनिटरी का मतलब 1 का निकालना है, तो यहां के लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, दैट इज रुपीज कितना हो जाएगा, 156 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ये, तो कर दीजिए यही, तो ये आ जाएगा रुपीज कितना, 3 5 15 और 3 2 6 आ जाएगा, 52 आ जाएगा, डिवाइड करके देखना बिल्कुल सही आएगा ये, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल आ गया। अब क्या निकालना है हमें, 8 लीटर पेट्रोल का निकालना है, ये 8 लीटर दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 लीटर पेट्रोल कितना आ जाएगा, रुपीज 52 तो रहेगा ही रहेगा, और 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो
52 की 8 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 8 2 जा 16 1 कैरी हो जाएगा और 8 5 जा 40 और 141 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रुपीस 416 एंड दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये आ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन आपका, इफ द कॉस्ट ऑफ 15 केजी सुगर इज रुपीज 60 हाउ मच सुगर वुड बी गेट फॉर रुपीज 120। अब देखो बच्चों थोड़ा सा रिवर्स गियर ले गया है ये, अब की कितनी आएगी 120 में ये बताना है। यहां लिखेंगे इन रुपीज 60 इन रुपीज 60 वी गेट 5 केजी ऑफ सुगर। तो हमें इन निकालना है रुपीज 1 वी गेट 5 डिवाइड बाय 60 केजी ऑफ सुगर। नाउ इन हाउ मच इन रुपीज कितना है, ये दिया है 120, तो इन 120 रुपीज वी गेट कितना आ जाएगा, 5 बाय 60 है इंटू 120 आ जाएगा, इतने केजी सुगर। यूनिटरी मेथड ऐसे चलता है बच्चों, तो ये जीरो कैंसिल विद जीरो और 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12 और 5 2 जा आ गया तो 10 हो जाएगा, सो 10 केजी सुगर आएगा, सो दैट विल बी योर आंसर। चलिए 6 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, हाउ मेनी कप्स ऑफ कैपेसिटी 200 ml वुड बी नीडेड टू फिल 1600 ml ऑफ मिल्क। तो चलिए देखिए, ये है 200 ml में जो है वो कैपेसिटी क्या है, हाउ मेनी कप्स ऑफ कैपेसिटी 200 ml वुड बी नीडेड टू फिल 200 ml needed to fill equal to 1 cup, ये कैपेसिटी थी मतलब एक कप में इतना आएगा। अब हमें क्या बताना है, 1 ml का लेना पड़ेगा, 1 ml needed to fill कितना हो जाएगा, 1 upon में आ जाएगा 200 cups। चलिए देखते हैं, अब हमें कितना निकालना है, 1600 का, 1600 ml needed to fill, तो 1 upon 200 का ही ये डिवाइड कर दिया था और यहाँ 1600 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो जीरो कैंसिल विद जीरो और ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 28 या 16 हो जाएगा, इतने कप्स आ जाएगा। चलिए कितना आ गया, तो 8 cups आ गया, ये 8 cups यानी 8 cup में ये भरेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, 7th क्वेश्चन है, 3 pen can bought for rupees 15. How much would you have to pay to buy 15 pen? Cost of 3 pens is equal to rupees 15. तो पहले हमें क्या करने का, 1 का find करेंगे, तो ये हो जाएगा cost of 1 pen। यूनिटरी मेथड यही चलता है, तो हमें क्या करना है, रुपीज
ये जो 15 है इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 × 5 = 15 कितना आ गया, ये रुपीज हो गया 5। अब हमें क्या निकालना है, ध्यान रखना कॉस्ट ऑफ किसका आ गया, कॉस्ट ऑफ 1 पेन आ गया, हमें कितने का निकालना है 15 पेन्स का निकालना है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 15 पेन रुपीज, अब क्या हो जाएगा 5 में 15 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और कितना आ जाएगा ये 75 आ जाएगा, एंड दैट विल बी योर आंसर। बच्चों ये एक साथ भी करा जा सकता है, जैसे हमने यहां करके दिखाया था, रुपीज कितना दिखाया था आपको, ये दिखाया था 15/3 दिखाया था और इंटू 15 यहाँ कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा 75, सो इट विल, इसमें एक लाइन बच जाती है आपकी, ये कॉस्ट ऑफ 1 पेन दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, ये इतने में ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन है। 1 packet containing 5 pencil is available for ₹13। यानी एक पैकेट में 5 pencils हैं और ये ₹13 की मिल रही है। अब another packet contains 10 pencil is available for ₹25। Which packet has a lesser rate per pencil? तो हमें दोनों का जो है 1 pencil का निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इन फर्स्ट पैकेट ले रहे हैं, क्या है इन फर्स्ट पैकेट, कॉस्ट ऑफ 5 pencils, इज इक्वल टू ₹13। यहां क्या लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ 1 pencil ₹ कितना हो जाएगा, 13/5। तो चलिए डिवाइड कर दीजिए, तो यहां देख लेते हैं 13 को 5 से डिवाइड करके, 5 × 2 = 10 हो गया, कितना बच जाएगा यहाँ 3, पॉइंट लगाएंगे एक जीरो बढ़ा देंगे और 5×6 = 30 आ गया, तो 2.6 आ जाएगा, सो यू कैन राइट हियर ₹2.6। अब ये दूसरे वाला लेते हैं, इन सेकंड पैकेट, यहां हम बात कर रहे हैं इन सेकंड पैकेट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कितने हैं 10 pencil, देखो यहां से 10 pencil फोर ₹45, कॉस्ट ऑफ 10 pencils इज इक्वल टू ₹ कितना है हमारे पास 25 पे, देखो यहां से, सो यू कैन राइट हियर 25। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 pencil इज इक्वल टू हो जाएगा ₹25/10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ₹ कितना 2.5। अब ये देखना है कि ये पूछा है विच पैकेट हैज अ लेसर रेट, किसका कम रेट है, आपको ये वॉच आउट करना है कि ये 2.6 और 2.5 में से कौन कम है, तो कम हमारा कौन सा लेस है, ये है 2.50 वाला, मतलब सेकंड पैकेट, क्या लिखना है विच पैकेट इज लेसर रेट, तो सेकंड पैकेट इज लेसर रेट, यहां लिखेंगे सेकेंड पैकेट इज लेसर रेट, तो यही हमारे पास आंसर होगा। सो आप लोग कर सकते हैं इजली। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये एक्सरसाइज बच्चों यहीं समाप्त हो रही है, और नीचे आपको ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करने जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आदर्श प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ
नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।